नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को पूरी तरीके से ही ख़त्म करता है। टाइटल्स मतलब कौन से वाले टाइटल्स? आपने अगर कभी सुना हो, हमारे महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और कई सारे टाइटल्स जो कि लोगों को मिले हुए थे। अब ये टाइटल्स लोगों को बाकी लोगों से अलग करते हैं। अब किसी को आप राजा बुला रहे हो तो वैसे ही आप उसको बहुत ऊपर कर रहे हो, ठीक है। तो ये टाइटल्स को आर्टिकल 18 अबॉलिश करने का काम करता है। और क्यों करता है? जैसे इक्वालिटी आ जाए, सीधी सी बात है। तो इसको देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 18 बेसिकली बात क्या करता है, तो इसका सबसे पहला फर्स्ट क्लॉज बन क्या बोलता है इसका, कि कोई भी टाइटल स्टेट नहीं देगी किसी को भी। स्टेट कोई भी टाइटल किसी को नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन। जैसे कि एकेडमिक मिलिट्री में अपन लेफ्टिनेंट मान लें, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, और एकेडमिक में अपन डॉक्टर वगैरह मान लें, तो ये सारे टाइटल ये मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा डॉक्टर डैश डैश, लेफ्टिनेंट डैश डैश, सुना होगा, ठीक है। तो ये दे सकता है, इसके अलावा स्टेट कोई भी टाइटल किसी को नहीं देगी, सीधी सी बात है। और दूसरा क्लॉज क्या बोलता है, दूसरा क्लॉज बोलता है कि कोई भी इंडिया का सिटीज़न फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं लेगा। सिटीज़न फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं लेगा, क्लियर है। थर्ड क्लॉज क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन, अभी तक दो में सिटीज़न की बात कर रहे थे, इसमें पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई भी हो जो कि इंडिया में स्टेट, जो इंडियन स्टेट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, ऐसा कोई सा भी आदमी किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं ले सकता, समझ रहे हो आप। मतलब कि कोई एक ऐसा आदमी जो कि फॉरेनर है लेकिन इंडिया में को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं ले सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। अगर प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी कोई बात नहीं, तो आप लो। प्रेसिडेंट ने परमिशन नहीं दी तो आप नहीं ले सकते। यही सेम चीज़ फोर्थ बोलता है कि प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या ऑफिस किसी भी तरीके का, एक ऐसा पर्सन जो कि सिटीज़न है या नहीं है मैटर नहीं करता, को एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठा है, तो वो प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके का ऑफिस फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। तो बेसिकली बात क्या करता है, बात यही करता है कि किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल आपको नहीं दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। फॉरेन स्टेट से भी आपको लेना है तो आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये चीज़ बोलता है। तो अब इसका एक केस है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला, पूछा गया था, बेसिकली पूछा गया था कि यार ये जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, तो ये भी टाइटल्स में आएंगे क्या, पूछा था, ये भी टाइटल्स में आएंगे क्या। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि नहीं भाई, ये टाइटल्स में नहीं आएंगे। टाइटल और अवार्ड में बहुत फ़र्क होता है। ये नेशनल अवार्ड्स हैं, अवार्ड, ठीक है, वो टाइटल्स हैं। टाइटल्स अलग चीज़ है, अवार्ड्स अलग चीज़ है। अवार्ड सामने वाले ने अर्न किया है, हालांकि ये जो अवार्ड है ये किसी आदमी के नाम के आगे पीछे आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे भारत रत्न अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा भारत रत्न, इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते अपने अवार्ड को। लेकिन ये अवार्ड जो है टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, साफ साफ बोल दिया था कोर्ट ने। अब क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप 51A देखो, हमारे आर्टिकल का 51A देखो, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी यही बोलती है कि हमको अपने आप को आगे बढ़ाता, हमको एक्सीलेंस का पीछा करना है, हमको अपने आप को बेटर करना है। क्यों? जिससे अगर हम बेटर होंगे तो हम हमारी कंट्री को बेटर करेंगे, तो ये हमारी ड्यूटी है, समझ रहे हो। और अगर आप किसी को एक्सीलेंस की वजह से उसको अवार्ड दे रहे हो तो ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसे आदमी को आप अवार्ड दो जिसको देना चाहिए, बाकी लोगों की हिम्मत बढ़े जिससे। तो इसको बोला गया कि अवार्ड टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएगा, नेशनल अवार्ड टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएगा,
तो ये था आर्टिकल 18, बहुत छोटा सा था, मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।